दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड एक नई अपडेट है, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, अलग अलग जिलों में जब स्टूडेंट बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म रिन्यू करवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके फॉर्म सेंड बैक आ रहे हैं और लगभग फॉर्मों में एक ही कमी बताई जा रही है और एक ही कमी की वजह से फॉर्म सेंड बैक किए जा रहे हैं। तो वो कौन सी कमी है जिस कारण से स्टूडेंटों के फॉर्म सेंड बैक हो रहे हैं, चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप वो गलती ना करो जो ज्यादातर स्टूडेंट कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, चाहे आप बेरोजगारी भत्ते का नया फॉर्म भर रहे हो या फिर बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म रिन्यू करवाने के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको आय प्रमाण पत्र तैयार जरूर करवाना होता है और आय प्रमाण पत्र तैयार कराते टाइम आपको दो अधिकारियों के साइन करवाने होते हैं और अधिकारियों की मोहर भी लगवानी होती है। तो आप ज्यादातर क्या करते हैं कि वहां पर मोहर लगवा लेते हैं और अधिकारी के साइन करवा लेते हैं, ना ही अधिकारी के मोबाइल नंबर लिखते हैं और ना ही अधिकारी की नाम वाली मोहर लगवाते हैं। इसी कारण से ज्यादातर फॉर्म अब सेंड बैक किए जा रहे हैं। आज से पहले पहले तो फॉर्म अप्रूव हो जाते थे, फॉर्म वेरीफाई हो जाते थे, उसके बाद अप्रूव होकर उन्हें बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अभी क्या दिक्कत आ रही है कि अभी नाम वाली मोहर मांगी जा रही है। फॉर्मों में कहा जा रहा है कि नाम वाली मोहर लगवाइए। एक मोहर होती है जो अधिकारी के पद को दर्शाती है और ज़्यादातर स्टूडेंट वही मोहर लगवाते हैं। उसमें अधिकारी का पद लिखा होता है, उसके बाद अधिकारी उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है जो गवाह होता है, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाता है, फॉर्म कंप्लीट माना जाता है, उसकी गवाही कंप्लीट मानी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं चल रहा है, अब कहा जा रहा है कि नाम वाली मोहर लगवाइए, जिसमें अधिकारी का नाम वो मोहर लगवाइए, उसके बाद अधिकारी के ऊपर हस्ताक्षर करवाइए, अधिकारी के मोबाइल नंबर लिखवाइए, उसके बाद उस फॉर्म को अप्रूव किया जाएगा। अब जो नए फॉर्म भर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास अगर सेंड बैक आता है दो बार तीन बार तो वो दोबारा से फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके बाद उनका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है। लेकिन जो रिन्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास एक या दो चांस होते हैं। अब वो अगर एक या दो चांस में फॉर्म में सही डिटेल नहीं देते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जिस कारण से वो बेरोजगारी भत्ते से वंचित रह जाते हैं। अब आपको क्या करना है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर आप नया बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरवाने की सोच रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल अधिकारी की मोहर लगवा सकते हो, चाहे उसमें नाम ना हो, आप अधिकारी के मोबाइल नंबर वगैरह लिखवा दीजिए, कंप्लीट फॉर्म को भरिए, एक भी कमी मत रखिए, हो सकता है आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाए। और जो नाम वाली मोहर है वो कई जिलों में ही मांगी जा रही है, ज़्यादातर जिलों में नहीं मांगी जा रही। तो अगर आप नया फॉर्म भर रहे हो तो आप एक बार सीधे तरीके से भर के देख लीजिए, हो सकता है आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाए। लेकिन अगर आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होता है तो आपको नाम वाली मोहर लगवानी पड़ेगी। अब यहां पर दिक्कत यह है कि बहुत कम अधिकारियों के पास नाम वाली मोहर होती है जिन्हें गवाह बनाया जा सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं उन स्टूडेंटों की जो फॉर्म को रिन्यू करवाना चाहते हैं। अगर आप महीने के शुरुआत में फॉर्म को रिन्यू करवा रहे हैं, आपके पास पूरा महीना है, तो आप एक बार साधारण मोहर लगा के देख लीजिए, हो सकता है आपका फॉर्म अप्रूव हो जाए। लेकिन अगर आपको सेंड बैक आता है तो आप नाम वाली मोहर लगा के सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम रहता है। लेकिन अगर आप महीने के लास्ट में फॉर्म को रिन्यू करवा रहे हैं तो आप नाम वाली मोहर ही लगवाइए और फॉर्म में कोई भी कमी मत रखिए, क्योंकि अगर एक भी कमी हुई तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप बेरोजगारी भत्ते से वंचित रह जाएंगे। और यहां पर मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये कई जिलों में दिक्कत आ रही है, सभी जिलों में अभी ये सेंड बैक नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में सभी जिलों में ये सेंड बैक आने लगे और नाम वाली मोहर मांगने लगे, तो स्टूडेंटों को बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ज्यादातर अधिकारियों के पास नाम वाली मोहर नहीं होती है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है या फिर आप नया बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो एक बार लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।